दोस्तों आपने 5 स्टार की आइसक्रीम तो खाई होगी, क्या कहा नहीं खाई? तो चलिए आज हम आपको 5 स्टार की सैर कराते हैं, 5 स्टार की आइसक्रीम खिलाते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। तो चलिए शुरू करते हैं 5 स्टार की आइसक्रीम। इसके लिए हमने एक पका हुआ और एकदम खुशबूदार आम लिया है। इसका वेट है 470 ग्राम वेट है, जो कि मैंने वेट किया हुआ है, और इसीलिए मैंने एक ही आम लिया है। और ये हमारा बादामी आम है, आप चाहो तो अल्फांजो ले सकते हो और दशहरी ले सकते हो, जो भी क्वालिटी आपके पास हो वो लेना, लेकिन उसके अंदर रेशे बिल्कुल भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अब हमने आम को धोकर उसका छिलका अच्छे से उतार लिया है और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरह से ही टुकड़े होने चाहिए, छोटे हों या बड़े, कैसे भी हों टुकड़े चलेंगे, क्योंकि हमने आखिर इसको ग्राइंड करना है। तो अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसके अंदर हमने सारे ये आम के टुकड़े डाल दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे, आप चाहो तो साबुत वाली चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने पीसी हुई चीनी यूज़ करी है। और मैंगो बहुत हमारा मीठा है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच डाल दिया। अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो। और अब हमने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/2 कप ही हमने फ्रेश दूध की मलाई ली है, जो डेली रूटीन में हमारा दूध आता है ना उसके ऊपर जो मलाई होती है वो 1 दिन की मेरी मलाई है, तो वो 1/2 कप मैंने फ्रेश मलाई ली है और 1/2 कप ही हमने दूध लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। अब हमने इसको चम्मच से अच्छे से सारा मिक्स कर लेना है और मिक्सी चलाकर इसको एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। और बहुत ही अच्छा पेस्ट हमारा तैयार होगा, एकदम सिल्की सा पेस्ट तैयार होगा और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है। तो अब हम इसमें पीसी हुई 1 चम्मच इलायची डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कटे हुए बादाम फ्लेक्स भी डालेंगे हम। अंदर क्रंच अच्छा आता है, आइसक्रीम खाते समय मुंह में जब क्रंच आता है तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमने एक केक टिन लिया है, उसके ऊपर हमने ये क्लिंग रैप लगा दिया है और उसके ऊपर हमने ये हमारा जो मिश्रण तैयार किया था, बैटर तैयार किया था आइसक्रीम का, वो हमने डाल दिया है और इसको 2-3 बार टैप करेंगे ताकि इसके अंदर एयर बबल है जो वो निकल जाए और आइसक्रीम अच्छे से बने। उसके ऊपर हमने फॉइल पेपर लगा दिया, अच्छे से इसको फॉइल पेपर को रैप कर देंगे और हम 7 से 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना बने। दोस्तों ये खाने में आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है, तो आप ट्राई ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आइसक्रीम या मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए अब हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है, 7 से 8 घंटे हो गए हैं और देखिए बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे एक प्लेट के अंदर। तो अब हमने इसको निकाल दिया है और इसके ऊपर जो क्लिंग रैप लगाया था वो मैं अब इसको उतार रही हूँ। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, अब हम इसको कट करेंगे। तो बिना मोल्ड के, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना गैस जलाए ये हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है, तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम बनी है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जो बादाम फ्लेक्स हमने काटे थे वही हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो आप चाहो तो उसके पिस्ता भी स्प्रिंकल कर सकते हो, जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट वो स्प्रिंकल कर सकते हो। तो इसके ऊपर ना बहुत धारदार और अच्छा नाइफ़ यूज़ कीजिएगा, मेरा ये नाइफ थोड़ा घटिया है, अच्छा नहीं है तो ये कट नहीं रहा है, तो लेकिन बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हो गई है। आप खाके ज़रूर देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मार्केट से लेना नहीं पड़ेगा इस गर्मियों में, आप ये मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये आइसक्रीम आपको कैसे लगी है। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।